तो एज आई हैव टोल्ड यू कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शन ये है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, एंड जो पल्मोनरी वेन है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। मतलब लंग्स से हार्ट तक का जो रास्ता है द रोड, यहाँ पे क्या होता है आर्टरी और वेन्स अपने काम अदल बदल कर लेते हैं। जो आर्टरी होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसीलिए इनको एक स्पेशलाइज नाम दिया गया है। वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट हम आते हैं कनेक्शन के ओर, इसीलिए ये हार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट था। आई हैव टोल्ड यू मैंने एक हार्ट का एक रफ स्केमेटिक डायग्राम बनाया ताकि इनका कनेक्शन मैं आपको समझा सकूं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यू रिमेम्बर हमारी जो हार्ट है उसका जो लेफ्ट साइड है, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, लेफ्ट साइड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट साइड कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये लेफ्ट और राइट को डिवाइड करने के लिए बीच में एक वॉल दिया गया है ताकि ब्लड का इंटरमिक्सिंग ना हो। अदरवाइज इंटरमिक्सिंग हो जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा मशीन में ही क्या हो जाएगी, गड़बड़ी आ जाएगी, है कि नहीं। नाउ यू सी, जो मैंने आपको बोला क्या कि लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, फिर मैंने आपको क्या बोला लंग्स से सबसे पहला ऑर्गन या सबसे पहला सेल जहां ब्लड ऑक्सीजन वाली ब्लड पहुंचती है वो कौन है, हार्ट। सो लंग्स से हार्ट में आती है जो, तो यहाँ आपका वो काम किसके थ्रू से होता है, आपका काम होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू से। सो पल्मोनरी वेन जो होता है वो लेफ्ट ऑरिकल में होता है, अपर हाफ में, क्योंकि ब्लड पहले अपर चेंबर में फिल होती है, अपर चेंबर फिल होने के बाद फिर आती है लोअर चेंबर में। ये हम बाद में व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तब मैं डिटेल समझाऊंगी, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ कि जो ब्लड होती है ना वो पहले क्या होती है अपर हाफ में आती है, अपर चेंबर फिल होने के बाद फिर वो लोअर में आती है। सो जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट किया हुआ जो पाइप है, जो ब्लड वेसल है, वो होता है पल्मोनरी वेन। द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। सिमिलरली ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगी वेंट्रिकल में, लोअर हाफ में, और वहां से पूरी बॉडी को पहुंचाया जाता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पाइप कनेक्ट किया हुआ, जो वेसल कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं अरोटा, और वी से इट एज अ मेन आर्टरी। इसे मेन आर्टरी क्यों कहा गया, क्योंकि यहीं से ब्लड निकल के पूरे बॉडी में फैलती है। सो योर लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू पल्मोनरी वेन, द पाइप विच इज कनेक्टेड इज लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू द अरोटा विथ मेन आर्टरी दैट इज अरोटा। और यहाँ पे जो कनेक्शन है, यहाँ पे एक वॉल्व होता है, वो होता है V3। आई टेल यू लेटर इन द सेक्शन ऑफ हार्ट। एक वॉल्व होता है जो कनेक्ट करती है V3। ये V3 क्या करती है, इस मेन आर्टरी को और वेंट्रिकल को कनेक्शन देती है, ठीक है। सिमिलरली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले कहाँ जाएगी, अपर चेम्बर में। आफ्टर फिलिंग ऑफ द अपर चेम्बर इट विल कम टू द लोअर चेम्बर। सो अपर चेम्बर में जिस पाइप से वो आती है, जिस पाइप में वो आती है, वो होता है मेन वेन और वेना कावा, और राइट वेंट्रिकल जो लोअर चेम्बर है वहां पे जो पाइप कनेक्शन रहती है वो होती है पल्मोनरी वेन, जो सारे बॉडी के जो आपका पल्मोनरी, आई एम सो सॉरी। सो आपका जो अपर हाफ में राइट एट्रियम में जो पाइप कनेक्ट किया हुआ रहता है, आपका जो वेसल कनेक्ट किया होता है ब्लड वेसल, वो होता है मेन वेन या फिर उसे कहते हैं वेना कावा, और जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड वेसल कनेक्ट किया हुआ रहता है वो होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो आपका क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजती है, लंग्स में। और मेन वेन या वेना कावा, इसे मेन वेन इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो आपके पूरे बॉडी के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जस्ट मीन द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी ये वेन के पास ही पहुंचाती है, एंड दिस वेन यूज टू पोर इट इन द राइट ऑरिकल। एंड अगेन वंस अगेन लेट मी टेल यू दैट द लेफ्ट साइड इज द वर्किंग इज व्हाट कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो राइट साइड होता है इसका काम क्या होता है, टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो ये बात थोड़ा सा आप आर्टरीज और वेन में आप याद रखो कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना, और पल्मोनरी वेन का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना। ओके, वन मोर थिंग, और एक बात जो आर्टरी और वेन के मामले में काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो
जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट पंप इट, एक फोर्स देती है ताकि एक ही फोर्स में वो क्या हो, सारे बॉडी में स्प्रेड हो सके. दैट मीन्स वॉट, जब आर्टरी में ब्लड आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कम्स विद अ फोर्स एज द हार्ट यूज टू पंप. तो उस फोर्स को विथस्टैंड करने के लिए क्या होता है, उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए क्या होता है, आर्टरीज आर ऑलवेज थिक वॉल्ड. अनदर डिफरेंस ऑफ देम इज वॉट, आर्टरीज आर ऑलवेज थिक वॉल्ड. वाई दे आर थिक वॉल्ड, बिकॉज दे हैव टू विथस्टैंड द प्रेशर थ्रू विच द ब्लड यूज टू कम आउट फ्रॉम द हार्ट. इसलिए क्या होता है, आर्टरीज क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है. बट वेन्स के मामले में ऐसा कोई बात नहीं होता, क्योंकि वेन्स क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड के साथ मिक्स करके लाते हैं, तो उन्हें किसी तरह का प्रेशर विथस्टैंड करना नहीं पड़ता है. एंड एज बिकॉज द वेन्स डजंट हैव टू विथस्टैंड द प्रेशर, द वेन वॉल्स आर थिन वॉल्ड. वन मोर डिफरेंस इज व्हाट, वेन्स आर थिन वॉल्ड. बिकॉज व्हाई दे आर थिन वॉल्ड, बिकॉज दे डोंट हैव टू विथस्टैंड एनी काइंड ऑफ प्रेशर, बट यस द आर्टरीज हैव टू withstand the pressure from the heart, so arteries are thick walled. Okay students, and then अब देखो, blood को flow होने के लिए एक तो force चाहिए, heart force देती है, वो oxygen blood जाती है. But veins के मामले में आप देखो, it doesn't give the force, उसको force नहीं मिलती है. But still आपको पता है, flow होने के लिए थोड़ा तो force चाहिए होगा, उसको push चाहिए होगा. वो push कौन देती है, veins have valve in them. Veins के जो vessels होते हैं, valves होते हैं. वो valves क्या करते हैं, वो valves they used to give push to the blood to keep on flowing. Okay, so the veins valves, they have valves in them. Valves क्या करती है, वो push करती है blood को flow करने के लिए. Okay, so after that, now let us come to the third blood vessel, that is capillaries. So capillaries are extremely thin and narrow tubes or vessels which connects arteries to the veins. Capillaries जो होती है वो इतनी thick होती है, करीब करीब one cell thick, और बहुत नैरो होती है. और ये क्या होती है, इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. ओके, सो टू अंडरस्टैंड इट, लेट अस सी दिस रफ डायग्राम. अब देखो, ब्लड का काम क्या होता है, हमारे बॉडीज में ट्रांसपोर्टेशन करना, एज आई हैव टोल्ड यू, इजंट इट. क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट करती है, रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड, एंड इट. So, जो ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड होती है उसको कौन लेके आता है, वो लेके आती है हमारी आर्टरी. आर्टरी आफ्टर ब्रिंगिंग दिस, ये क्या होती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है एक्सट्रीमली थिन नैरो ट्यूब्स में, जिन्हें कहते हैं कैपिलरीज. जब तो पतले से ट्यूब्स जैसे दिख रहे हैं ना, नेट जैसे स्ट्रक्चर्स, ये है हमारे कैपिलरी वाई. अभी कैपिलरी वाई के पास क्या आ गया, दिस कैपिलरी वाई हैव गॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कंटेन्स फूड ऑल्सो. आफ्टर दिस, वट दिस कैपिलरीज विल डू, इट विल सेंड द फूड एंड ऑक्सीजन टू होम, to our body cells. Okay, these capillaries, they will send the food and oxygen to whom, to the body cells, and in return the body cell will send you what, from the food, take the example of respiration, it will take glucose, oxygen oxidized ho gaye, energy produce kar liye, fir unka by product, one of the by product is what, carbon dioxide. Body cells kya karti hai, wo carbon dioxide capillaries ko wapas karti hai. Inhone food and oxygen liya, and in return it have returned back what, carbon dioxide. Now you see, these capillaries, ye carbon dioxide rich blood which is known as deoxygenated blood, kisko send karti hai, veins ko. Theek hai, aur ye veins fir kahan pahunchati hai, heart, heart fir pahunchati hai lungs ko. So first of all, the oxygenated blood is taken from the lungs to the heart, from the heart the arteries bring it, from the arteries the capillaries will take, the capillaries will send to the body cells. After that, the body cells in return will give carbon dioxide, which will be taken by these capillaries. It will be sent to the veins will send to the heart will send to the lungs, and at the lungs will send to whom? To the nose, and the nose will exhale out. So, yehi hoti hai wo process. Okay. In short, again I'm repeating the three main blood vessels. What are they? Artery, veins, and capillaries. What is the work of artery? To carry oxygenated blood. What is the work of veins? To carry deoxygenated blood. And what is the work of capillaries? Capillaries are very thin, narrow tubes. I have said earlier thick, but it's not thick, it's thin, very thin, narrow tubes. And what is the work of our capillaries? It will connect between arteries and veins. Artery, capillaries and veins. Okay, students, now let us come to the most important part of it, the most important, the pumping organ of our body, that is the heart, isn't it?
So first of all, heart is a muscular organ. And what is its speciality? Can you feel your heartbeat right now? Yeah, that's its speciality, that it keeps on beating each and every time. It continuously kya karti rehti hai, beat karti rehti hai, the pumping organ, isn't it? Or jaise now you have come to know ki pump kyun karti hai, so that the blood flows from it, the oxygenated blood flows from it to all the part of the body at the same time. So yahan hum heart ke bare mein discuss karenge elaborately. Heart is a roughly triangular shaped structure. So basically aap log jo dil banate hain, so वैसा होता नहीं है, but yeah, somehow it's look like that roughly triangular. और location जो इसका होता है, location कहाँ होती है? Extreme left भी नहीं, extreme right भी नहीं, center से little bit left की तरफ. Okay, just near your center, little bit left की तरफ इसका alignment होता है. And in also you know one more thing, जो ये heart होती है, specialized muscle से बनी होती है. उस muscle का नाम क्या है? Cardiac muscle, isn't it? That's why जो हमारे heart के doctor होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Cardiologist, isn't it? So our heart is made of a special muscle called cardiac muscle, जो anytime क्या करती रहती है? Pump करती रहती है. और ये pumping क्या होती है? Actually ये pumping is relaxation and contraction of the atrium and ventricles. क्या होती है? एक time पे जो atria में जो upper half of the heart है वो रिलैक्स होती है, तो एक टाइम क्या होती है जो वेंट्रिकल लोअर हाफ है वो रिलैक्स होते हैं. ये लोग क्या करते हैं? रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट. जब ब्लड फील होना होता है, जब उसके अंदर ब्लड आनी होती है, तो हार्ट क्या करते हैं? रिलैक्स हो जाती है. और जब उसको ब्लड निकालना होता है तब वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि आपको पता होगा, आप टूथपेस्ट जब आप निकालते हो स्क्विच करना पड़ता है, इजंट इट? स्क्विच करके प्रेशर देते हो तभी क्या होता, टूथपेस्ट निकलती है. और पानी आप किसी एक पकड़ लीजिए, किसी एक पॉलीथीन में आप डाल के रखे हो और उसको आप अच्छे से टाइट पैक कर लिया, और वहां से आपको पानी निकालना है. यू हैव सील पैकेट, एक पॉली बैग पकड़ लीजिए, उसमें आपने पानी फिल किया, उसको बंद कर दिया, या बलून ही पकड़ लीजिए और आपको उसमें क्या करना है? पानी निकालना. सो इधर यू विल पियर्स इट, या फिर क्या कर, जोर से प्रेशर दोगे, प्रेशर दोगे तो फट के निकल जाएगी, इजंट इट? सो यहाँ पे क्या होती है, हार्ट में भी क्या होती है, वाया कंट्रैक्शन जो ब्लड होती है उसको पुश किया जाता है, बाहर निकाला जाता है. सो रिलैक्स होती है ब्लड अंदर लाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्लड को निकालने के लिए. एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नथिंग बट योर हार्ट बीट, और वही पंप होती रहती है. नाउ स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाया. जो प्रीवियस डायग्राम था वो थोड़ा सिंपली आपको समझाई थी मैंने, इजंट इट? एंड वो थोड़ा रफ डायग्राम था, उसको उस पर आप लोग नहीं जाइए, बस आप लोग को समझाने के लिए रफली मैंने वो बात समझाई थी आपको. तो यहाँ आप देखो क्या होती है, जो हार्ट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली देखो उसका सेक्शन किया गया है लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट और राइट में उसको वर्टिकल सेक्शन किया गया. और जो वॉल दिख रही है आपको, जो मस्कुलर वॉल दिख रही है, इट हैव अ नेम, इट इज कॉल्ड सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम, द पार्टीशन वॉल. दिस सेप्टम डिवाइड्स और पार्ट डिवाइड्स द हार्ट इनटू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. ओके, सिमिलरली हॉरिजॉन्टली हार्ट को अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर में डिवाइड करते हैं वॉल्व्स. जो वॉल्व्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक आउटलेट वॉल्व होता है, एक इनलेट होता है. इनलेट मतलब इनकमिंग, आउटलेट मतलब जो जाने देता है. सो वॉल्व जो होती है अपर और लोअर को डिवाइड करती है. अपर हाफ को आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अपर हाफ को हम क्या कहते हैं? एट्रियम या ऑरिकल. एंड लोअर हाफ को हम क्या कहते हैं? लोअर हाफ को हम कहते हैं वेंट्रिकल. ओके, सो अपर हाफ जो होती है उसे हम कहते हैं क्या? एट्रियम और ऑरिकल. एंड लोअर हाफ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल. फाइन, अपर लोअर को डिवाइड कौन करता है? वॉल्व. लेफ्ट राइट को डिवाइड कौन करता है? सेप्टम. नेक्स्ट यू सी व्हाट थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, सेकंड ऑफ ऑल इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड कार्डियक, आई एम सो सॉरी, स्पेशलाइज्ड, या इट्स अ टिश्यू ऑन द स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड कार्डियक मसल. नेक्स्ट आई हैव टोल्ड यू दैट लेफ्ट राइट को डिवाइड करता है कौन? अ मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम. एंड अपर लोअर को वॉल्व. आफ्टर दैट यू सी द हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ शीट ऑफ मसल, and that sheet of muscle is called pericardium. The heart is protected by a sheet of muscle because ये काफी important organ है हमारे body की, तो इसे protection तो बहुत चाहिए होती है. So इसको protect कौन करता है? Pericardium, a sheet of muscle, a sheet of tissue which protects the heart is known as pericardium. Next you see, after that, जो upper half होती है, first of all हम आते हैं left side की तरफ. लेफ्ट साइड में मैंने बोला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से हार्ट में आएंगे, पहले कहाँ फिल होगा? अपर चैम्बर.
चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेम्बर whether it is oxygenated or deoxygenated, the blood will first fill up in the upper chamber, then it will go to the lower chamber and after that it will exit from the heart. So, जो oxygenated blood है वो lungs से पहले कहाँ आएगी? In the left atrium. It will come from the lungs to the left atrium via which vest vein? I have told you from lungs to heart, ये जो vein और artery इनका काम क्या होता है? Exchange होता है. So, the pulmonary vein will bring the oxygenated blood from the lungs to the heart. And it will fill up the left atrium. Once the left atrium is filled up, उस टाइम पे वो रिलैक्स रहती है, ठीक है? Once the left atrium is filled up, then ये वॉल्व जो V1 है, ये ओपन हो जाती है. और ओपन होते क्या होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाती है. ओके? एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इसका एग्जिट होगा. इसका एग्जिट कहाँ से होगा? वाया मेन आर्टरी. आप देख रहे हो ना, ये मेन आर्टरी इनलेट वॉल पे यहाँ आने दिया. आने के बाद लोअर हाफ लेफ्ट वेंट्रिकल फिल अप हो गया. आफ्टर फिलिंग अप द लेफ्ट वेंट्रिकल वेयर इट विल गो? इट विल एग्जिट वाया मेन आर्टरी थ्रू V3. V1 वॉल्व खुला, वेंट्रिकल में पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल फिल अप हो गया, उसको अभी बाहर निकल के होल बॉडी को पहुंचाना है. और होल बॉडी को पहुंचाना किसका काम है? आर्टरी का काम है. वो कौन है? मेन आर्टरी है. तो वॉल्व जो V3 है, V3 विल ओपन अप और जो ये ब्लड है वो कहां से जाएगी? मेन आर्टरी में चली जाएगी. और मेन आर्टरी से क्या चली जाएगी? बॉडी में. बॉडी से क्या होगा? बॉडी विल टेक द ऑक्सीजन, इट विल गिव बैक द कार्बन डाइऑक्साइड. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल कहां फिल अप होती है? अपर चेंबर में. बट विच साइड? लेफ्ट और राइट? द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल फिल अप इन द राइट साइड. एंड राइट साइड का अपर को क्या कहते हैं? राइट एट्रियम. सो राइट एट्रियम में फिल होगी. और राइट एट्रियम में फिल करने का काम किसका है? वेन्स का. Isn't it? बॉडी से हार्ट तक जो जाती है या हार्ट से बॉडी तक जाती है, वो आर्टरी और वेन अपना काम ठीक से करते हैं. ओनली लंग्स और हार्ट के बीच में उनका काम अदर बदल होता है. सो फ्रॉम द बॉडी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड विल एंटर इन द राइट एट्रियम वाया द मेन वाल्व. ओके? सो वाया द मेन वेन, आई एम सॉरी, वाया द मेन वेन इट विल एंटर हियर. द हार्ट विल बी इन रिलैक्स कंडीशन. इट विल एंटर. वंस इट विल एंटर, इट विल कंट्रैक्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन V2, the valve V2 will open and it will instantly fill up in the right ventricle. Once the right ventricle is filled up, again the right ventricle will contract, and once the right ventricle will contract, it will exit out. It will exit out to where? That deoxygenated blood will not return to body, but it will go to lungs. क्योंकि उसको body से बाहर निकालना है, lungs की उसको nose में भेजना है. So the deoxygenated blood from the right ventricle will go to the lungs via whom? Lungs है तो काम तो अदल बदल होगा, via pulmonary artery. Via pulmonary artery the deoxygenated blood will enter in the lungs. Okay? So ये है हमारा heart और ये है इनके काम. ठीक है? To make you understand better, because this is little bit complex diagram, मैंने एक schematic diagram बनाया है, roughly schematic diagram, क्योंकि ये diagram थोड़ा complex हो सकता है. बड़ी simple से आप समझो. First of all, oxygen will enter in the lungs. Fine. After entering the lungs, step one, step wise मैंने marking किया. Step one क्या होगा? After entering inside the lungs, step one होगा कि उसे lungs से heart तक पहुंचाना है. Lungs से heart तक कौन पहुंचाएगी? Who will bring the oxygenated blood from the lungs to the heart? It's the pulmonary vein. The pulmonary vein will bring the oxygenated blood from the lungs to the heart. Now to which part of the heart the pulmonary veins will bring? It will fill up the upper half of the left side. As it is oxygenated blood, so it must enter in the left side. The upper half of the left side is known as what? It is known as left atrium. The left atrium will fill up. Once the left atrium will fill up, it will contract and V1, the valve 1 will open. Step 2. Okay? So once the valve will open, all the oxygenated blood will immensely filled up in the left ventricle. Once the left ventricle is filled up, now it will again contract and it will push the blood. It will push the blood to where? To the main artery. Step 3. Step 3 is what? After filling up of the left ventricle, it will push the blood to the main artery. After pushing it to the main artery, now what is the work of the artery? It will send to the capillaries. Remember students, we have discussed a few minutes ago. So it will send to the capillaries. The capillaries will send to the body cells. Once the body cells receive, it have work have been done.
it will send back the carbon dioxide. Step 4. Carbon dioxide will be sent to where? From capillaries to the main vein. The main vein will take and it will fill up where? In the right auricle. Taking up the carbon dioxide blood, which will fill up the right auricle. Then valve 2 will open. Step 5. Enter in the right ventricle. After filling up of the right ventricle, what will happen now? It have to be exit to the lungs. Step 6. The deoxygenated blood will be carried from the heart to the lungs by whom? By pulmonary artery. Step 6 is what? The deoxygenated blood will be taken to the lungs. And from lungs, the chapter respiration, you have learned how the lungs throw out the deoxygenated blood. That means the carbon dioxide, isn't it? So, I have simply told a simple diagram. Maine aapko samjhaya step by step. कि क्या होता है, कैसे जाती है. पहले लंग्स से पहुंचेगी लेफ्ट ऑडिकल, लेफ्ट ऑडिकल से पहुंचेगी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी लेके जाएगी बॉडी में, बॉडी भेजेंगे कार्बन डाइऑक्साइड टू द वेन, मेन वेन, वेन लेके जाएगी राइट ऑडिकल, राइट ऑडिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये डायरेक्ट पहुंचेगी लंग्स में, लंग्स में कौन लेके जाएगा? आपका पल्मोनरी आर्टरी. तो ये 6 स्टेप्स हो गए आपके. अब देखो, जो ब्लड आपका लंग्स से होके आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड हमने समझाया ना, पहले लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड आया था वही ब्लड फिर से इम्प्योर होकर राइट साइड से गई है कि नहीं? सेम ब्लड जो कभी हार्ट के लेफ्ट साइड से फ्लो होके गई थी, वही ब्लड अब इम्प्योर होकर हार्ट के राइट साइड से जा रही है. एक ही ब्लड जब हार्ट में दो बार सर्कुलेट होते हैं, दैट्स व्हाई द सर्कुलेशन इन द हार्ट, ह्यूमन हार्ट, इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. क्योंकि देखो, जो सेम ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट साइड से गई थी, वही सेम ब्लड इम्प्योर होके राइट साइड से जा रही है, इजंट इट? सो एक ही बार में जो ब्लड ट्वाइस अ टाइम हार्ट से सर्कुलेट होके जाती है, इसीलिए इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? वी टेल इट एज अ डबल सर्कुलेशन. ओके, अब इसमें और एक बात है आपका, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जो आपका लंग्स से हार्ट, फिर हार्ट से लंग्स में जो जाती है, ये जो आपका पाथवे है, ओके, जो पाथवे है आपका लंग से होकर हार्ट में जाना, और हार्ट से होकर जो आपका लंग्स में जाना होता है, ये पाथवे को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन. और जो दूसरी पाथवे हार्ट से बॉडी में गई, फिर बॉडी से वापस हार्ट में आती है, आगे नहीं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. सो जो आपका क्या हो गया, हार्ट से बॉडी में आई, बॉडी से फिर हार्ट में गई, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. लंग से जो हार्ट में आती है, हार्ट से फिर लो लंग्स में जाती है, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर और एक बात आती है, यहाँ पे और एक बात आती है, वो होती है आपकी हार्ट बीट और आपकी पल्स. हार्ट बीट क्या होती है? देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हार्ट में ब्लड आने थे, तब हार्ट क्या हुआ था? रिलैक्स हो गया था. और फिर जब हार्ट से ब्लड को निकलना होता है, तो वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है. सो ईच टाइम द हार्ट रिलैक्स एंड द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ही होती है आपकी हार्ट बीट. रिलैक्स अगेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट. ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होती रहती है, यही होती है हार्ट बीट. और जनरली एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन हार्ट एक मिनट में 70 to 72 टाइम्स बीट करती है. एक नॉर्मल एवरेज जो ह्यूमन एडल्ट होते हैं, उनके क्या होते हैं? हार्ट बीट पर मिनट 70 to 72 टाइम्स बीट करती है. बट जब आप एक्साइटमेंट में रहते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आपको क्या होती है, आपको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है, देन योर हार्ट बीट फास्टर देन द नॉर्मल. क्योंकि तब उसको ऑक्सीजन सप्लाई फास्ट चाहिए होता है, तो बोलते नहीं भाई रेगुलर चलो, तो नहीं होगा अब तरफ काम आगे बढ़ा, स्पीड अप करो. और बच्चों के मामले में भी क्या होता है, हार्ट बीट काफी फास्ट रहती है कंपेयर टू द एडल्ट्स. तो ये तो हो गया आपका हार्ट बीट, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. अब आप आते हैं पल्स के बारे में. यू नो, जनरली हम मूवीज में देखते हैं कि एक आदमी मरा या जिंदा, उसको पल्स चेक करते हैं, इजंट इट? सो रिस्ट में पल्स चेक करते हैं, नेक के सामने चेक करते हैं. तो ये पल्स होती क्या है? पल्स जो होती है, ये हार्ट बीट से रिलेटेड है. जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज को हार्ट ब्लड पुश करती है, इजंट इट? और पुश करने के टाइम पे क्या होती है? पुश करने के टाइम पे वो ब्लड एक फोर्स से आती है, प्रेशर से आती है, इजंट इट? तो वो जो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल जो आर्टरी को ब्लड पुश कर रहा है ना, हार्ट इज पुशिंग द ब्लड टू द आर्टरी, ये पुश होता है एक पल्स. वन पल्स मींस द हार्ट इज पुशिंग द ब्लड टू द आर्टरी. ईच टाइम पल्स एक बीप आती है, वो बीप के थ्रू प्रेशर होती है,
जो हार्ट क्या करती है, ब्लड को आर्टरी में पहुंचाती है, और एक मिनट में जितना बार वो हार्ट ब्लड पहुंचाएगी आर्टरी में वही होता है उसका पल्स रेट। पल्स रेट इज द नंबर ऑफ टाइम द हार्ट पुशेस द ब्लड टू द होम टू द आर्टरी। और पल्स रेट एंड हार्ट बीट जनरली क्या होते हैं, बराबर में चलती है। ओके, एंड वन मोर इंस्ट्रूमेंट इन स्टेथोस्कोप जो क्या होती है, जो हमारे हार्ट बीट को सुन सकते हैं। डॉक्टर्स यूज टू लिसन टू अ हार्ट बीट, तो वो क्या करती है स्टेथोस्कोप क्या करती है, जो नॉर्मल जो हार्ट बीट का साउंड है उसको और एनलार्ज कर देती है। यू हैव लर्न इन द चैप्टर साउंड, इजंट इट, स्टेथोस्कोप कैसे काम करती है। नाउ और एक जो आपका आ रहा है ब्लड प्रेशर, इससे रिलेटेड और एक बात जो है वो है आपका ब्लड प्रेशर। अब प्रेशर तो आपने कहीं ना कहीं हार्ट में देखी होगी, कहाँ, व्हेन द हार्ट यूज टू सेंड द ब्लड टू द आर्टरी, एक फोर्स के साथ भेजती है ना, जो मैक्सिमम फोर्स होता है जिसके साथ ये भेजती है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मैक्सिमम फोर्स के साथ उसने भेज दिया, इजंट इट। अब सिर्फ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके भेजने से तो नहीं होगा, रिलैक्स करके फिलअप भी होना पड़ेगा, तो जो मिनिमम रिलैक्सेशन प्रेशर होती है वो होती है डायस्टोलिक। ओके, तो मिनिमम रिलैक्सेशन प्रेशर होती है वो होती है डायस्टोलिक। तो जिस फोर्स से वो भेजती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक। ओके, और जो रिलैक्सेशन के जो मिनिमम प्रेशर होती है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। और ये जनरली मेजर किसने करते हैं, एमएम इन मर्क्यूरी, मिलीमीटर इन मर्क्यूरी। तो एक नॉर्मल जो एवरेज एडल्ट का होता है, जो आपका मैक्सिमम प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120, और जो मिनिमम प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80। सो नॉर्मल अगर आपका ब्लड प्रेशर हो तो वो क्या होता है, अपर 120 एंड लोअर जो हम बोलते हैं 80, दैट मींस सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक क्या होता है 80। अभी यहाँ पे क्या होती है, वन मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू टेक, दैट इन केस ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स फॉर मोटापा, व्हेन यू टेक एक्स्ट्रा फैट्स स्टार्टिंग डेपॉजिटिंग, सो ये क्या होती है, हमारे आर्टरीज के ऊपर जब फैट्स डेपॉजिट होने लगते हैं ना, तो इट मेक्स द आर्टरीज मोर नैरो, और उसको क्या करते हैं, नैरो कर देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है कि समटाइम देखो हार्ट तो ऑलरेडी प्रेशर के साथ आर्टरी को भेजती है, तो जब वो आर्टरी नैरो हो गया और प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, आपको पता है अब बलून को जब प्रेशर दे तो वो बर्स्ट होके क्या होती है, निकल जाती है, इजंट इट। यहाँ पे भी वैसा ही होता है, क्या होता है कि आपका आर्टरी या तो वो ब्लड रुक जा नहीं पाती है, या फिर क्या होता है वो वेसल्स फट के ब्लड निकल आती है, जो हम बोलते हैं हाई बीपी में जो होता है, इजंट इट, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आर्टरीज क्या होता है नैरो, सो ऑब्वियस इट इज वेरी वेरी बैड फॉर द हार्ट। सो स्टॉप और अवॉइड द ऑयली द जंक फूड, टेक हेल्दी फूड, कीप योर हार्ट स्ट्रांग एंड हेल्दी। ओके फाइन, नाउ वेलकम टू द लास्ट पार्ट। हमने बताया था लिम्फेटिक के बारे में, लिम्फ्स के बारे में, अब हम पहुंच गए उस लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर के बारे में, वो हो गया लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सो ये लिम्फ क्या होती है, इट इज अ पेल येलो कलर लिक्विड, अनलाइक ब्लड या रेड नहीं होती है, क्योंकि इसमें आरबीसीस नहीं होते। अब लिम्फ क्या होती है, देखो बच्चों, जब ब्लड से जो फ्लूड होते हैं वो जब मतलब ब्लड फ्लूड जब आर्टरी से कैपिलरीज में जाती है ना, तो कुछ फ्लूड्स क्या होते हैं सिक हो जाते हैं, निकल आते हैं, तो उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूड। अब टिश्यू फ्लूड क्या होती है, इसमें कुछ प्रोटीन्स रहता है, रजिस्टर्ड फैट्स रहते हैं, फ्रेगमेंटेड डेड सेल्स रहती है, तो ये क्या करती है, ब्लड में कैपिलरीज काफी पतले होते हैं तो इसको वापस ये ले नहीं पाते, तो ये क्या करते हैं, ये थ्रू अनादर वेसल्स जाते हैं, और वो टिश्यू फ्लूड जो होते हैं वो दूसरे वेसल से जाती है। टिश्यू फ्लूड में क्या होते हैं, ये होते हैं लिम्फ, और लिम्फ में बेसिकली क्या रहता है, जैसे मैंने बोला लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स विद द जर्म्स, कुछ डाइजेस्टेड फूड। अब ये लिम्फ क्या करती है, ये लिम्फ फिर जाती है आपका, इसके भी अपने लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स से जाती है, लिम्फ वेसल्स से जाते हुए ये पहुंचती है लिम्फ नोड्स पे, लिम्फ वेसल्स से जाते हुए ये पहुंचती है लिम्फ नोड्स पे। लिम्फ नोड्स में क्या होते हैं, कुछ हमारे जैसे WBC में एंटीबॉडीज थे ना जो जर्म से फाइट करते हैं, सो लिम्फ नोड पे भी कुछ ऐसे रहता है एंटीबॉडीज, को बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स LYMPHOCYTES। सो ये लिम्फोसाइट्स क्या करती है, जो हमारे डेड सेल्स है ना, जर्म्स है, इन सब को क्या करती है, ईटअप खा जाती है, इसको क्लीन कर देती है, क्लीन करके अब लिम्फ्स में रह के आता है बचा कुचा जो यूजफुल थिंग्स होता है, जैसे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हमारे कैपिलरीज ले नहीं पाते, कि कैपिलरीज क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, वो प्रोटीन्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो क्लीन लिम्फ जो होता है इन सारे वैल्यूएबल चीजों को लेके ब्लड को पहुंचा देती है, मतलब जो काम कैपिलरीज नहीं कर पाए उनसे छूट गया था
वो काम कौन कर देता है, वो काम कर देता है ये लिम्फ। और जो लिम्फ लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड और लिम्फोसाइट से ये सारे से बनते हैं हमारे क्या लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये हो गया उसका काम। अब देखो बच्चों ये लिम्फ जो था ये कैसे बना था, मैंने बोला था कि ब्लड से कुसामन आर्टरीज में आती है, फ्लूइड्स आर्टरीज से कैपिलरीज में आती है, कैपिलरीज जा नहीं पाते वो रह जाते निकल के, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो सेल में बनी ही नहीं, सेल में जाने से पहले आ गई थी, इजंट इट। और क्योंकि ये सेल्स में जाने से पहले ही बनी है इसलिए लिम्फ को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। ओके सो ये हो गया लिम्फ। और लिम्फ का कैपिलरी से क्या डिफरेंस आ गया, नंबर वन डिफरेंस तो मैंने बताया ये कंपेयर टू कैपिलरी जो बहुत थीन एंड नैरो होती है थोड़ी थीक और ब्रॉड होती है, इसलिए क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो कैपिलरीज है इससे ये काफी थीक होती है और ब्रॉड होती है। सेकेंड ऑफ ऑल जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिटिव पार्ट्स जो कैपिलरीज ले नहीं पाते वो कौन लेके आते हैं, वो ही हमारे लिम्फ वाइस अब लेके आते हैं, न्यूट्रिटिव पार्ट्स को लेके आते हैं। थर्ड क्या हो गया, इनके पास एक लिम्फोसाइट होती है जस्ट लाइक WBC जो क्या करती है जर्म से फाइट करने में हेल्प करती है। ओके सो विद दिस क्या है, विद दिस हमारा जो चैप्टर सर्कुलेशन है या फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल लीव विथ सम फ्यू क्वेश्चंस, आई होप यू विल आंसर देम इन माई कमेंट सेक्शंस सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव सीन द होल वीडियो, यू हैव अंडरस्टूड इट एंड यू विल हैव फुल कोऑपरेशन विथ मी। विद दिस आई विल एंड द फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।